प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों को क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी। मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने जो है इतना ही सल्तनतकालीन राजा थे सबको पढ़ा और विजयनगर साम्राज्य को पढ़ा। आज हम लोग मुगल राजवंश से शुरू करेंगे और उसमें आज हम लोग पुरातात्विक स्रोतों को देखेंगे और पुरातात्विक जो स्रोत है उसमें हम देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या है। बाबर नामा में बाबर दुनिया है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है पांच मुस्लिम राज्य कौन से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके सामने पहला है
और
नेक्स्ट है ख्वाजा कामगार, इनकी जो पुस्तक है मासीए जहांगीर
नामावली के पांच साम नामा में मिलता है। एक तरीके से कहेंगे पांच साम नामा का दो भाग है। शुरुआत के 10 वर्षों का उल्लेख जो है वो किया है अभी तस्वीर है, और बाद के 10 वर्षों का जो उल्लेख किया है वो किया है अभी अब्दुल हमीद लाहौरी ने, और दोनों लोगों ने एक ही नाम का पुस्तक लिखा है पांच साम नामा, जो की शाहजहां के काल से संबंधित है। Thank you.
विरोधाभास भी रखते हैं, तो विरोधाभास है उनके नेचर में। और ये भी कहते हैं कि जो सम्राट है, जो शासक है, यानी कि जहांगीर है, ये अपनी माँ का बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। और वो कहीं भी रहते हैं तो अपनी माँ के लिए गंगा जल की व्यवस्था हर रोज करवा देते हैं, या वो ही जाता है। तो जो ये जहांगीर है, आपको पता है इनकी माँ दुर्गा बाई थी, जो कि हिंदू जो है घराने से बिलोंग करती थी। यही की बात कर रहे थे आगे बच्चों की, ये यहाँ पर कहते हैं कि हम चांदी का आमाद के बारे में लिखते हैं, कि चांदी की जो आमदनी है, जो आवागमन है, ये भी लिखते हैं कि इतना ज़्यादा चांदी जो है वो भारत में आता है, इतना ज़्यादा यहाँ आता है, जैसे सारी नदियाँ अपना पानी लेकर करके समुद्र में गिरा देती हैं, ऐसे विश्व का सारा चांदी जो है भारत के खजाने में आ जाता है और वहीं पर रुक जाता है, वहाँ से बाहर निकलता ही नहीं है। ऐसा उल्लेख किसने किया है? एडवर्ड टेरी ने किया है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। आगे है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, खजाने में चांदी की डाल देती है और वो वहीं रह जाता है। नेक्स्ट है आपकी, ये राज किस है और ये कब आए हैं? 1588 से और 1591 के दरमियान ये भारत में आए और भ्रमण थे उन्हें। यह एक अंग्रेजी आपकी है, ध्यान देंगे। किसके शासनकाल में आए हैं? तो अकबर के शासनकाल में आए हुए हैं। ये ध्यान देंगे एग्जाम में आता राज किसके शासनकाल में आए थे, अकबर के शासनकाल में आए हैं। उसके बाद जो आए हैं फादर एंथोनी मोक्सीदा, ये भी अकबर के शासनकाल में आए हुए हैं और ये शहजादा मुराद के शिक्षक भी थे, जिनको शिक्षक भी नियुक्त किया था अकबर ने, कि आप मेरे जो शहजादे हैं मुराद उनको पढ़ाइए। फ्रांसिस्को पेलेसार्ड, ये डच यात्री है, ध्यान दीजिए डच यात्री है ये, और ये जहांगीर के काल में आए हैं। इनका नाम क्या है? फ्रांसिस्को पेलेसार्ड। नेक्स्ट है ट्रेवेलियर, ट्रेवेलियर को ध्यान दीजिए, ट्रेवेलियर एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। ट्रेवेलियर यहाँ फ्रांसीसी यात्री है जो शाहजहाँ के काल में भारत आए हैं। ट्रेवेलियर शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आए हैं, ये बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए आपको जरूर ध्यान देना है। मनुजी, वेरी इंपॉर्टेंट, मनुजी कहाँ के हैं? इटली के हैं, इटली के यात्री हैं और ये भी शाहजहाँ के काल में भारत आए हैं और इन्होंने दारा सिकों के पास नौकरी भी की थी और उनके प्रति इनको इतना ज़्यादा श्रद्धा था, इतना ज़्यादा लगाव था कि जब औरंगजेब और दारा सिकों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है तो ये दारा सिकों का ही साथ देते हैं और बाद में जब दारा सिकों मार दिए जाते हैं सामूगढ़ के युद्ध के बाद, तो ये यहाँ से इंडिया से बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि वो जो है औरंगजेब का भी उनका सत्कार नहीं करती या उनकी तरफ नहीं जाते हैं। ध्यान में ही क्या याद रखता है कि इस यात्री ने जो है दारा सिकों का साथ दिया था उत्तराधिकार के युद्ध में, तो वही जीते। फ्रांसिस बर्नियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक विख्यात फ्रेंच डॉक्टर भी थे। एग्जाम में आया कि फ्रेंच डॉक्टर कौन था, तो ये ट्रेवेलियर बर्नियर भी थे, ये डॉक्टर है और इन्होंने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है ये ध्यान दे रही हूँ, ये है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। एग्जाम में आता ये पुस्तक किसका है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये लिखा है फ्रांसिस बर्नियर ने लिखा है और इन्होंने औरंगजेब के टाइम का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। तो आपको इन लेखकों का नाम और उनकी किताबें और खास करके विदेशियों का जो टाइम पीरियड है, किसके शासनकाल में आए हैं, इनका क्रम देखना होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आते हैं। अब मोस्टली बच्चे इसे गलत कर देते हैं क्योंकि भूल जाता है, रिविजन नहीं होता है, तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर हैं उनकी किताबें हैं आप लोगों को एक ही क्लास में मिल जाए, ताकि आगे की कोई भी एग्जाम हो उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से आप उसको चैलेंज करें और अच्छा नंबर प्राप्त करें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, कल बाबर के बारे में पढ़ेंगे और मुगल साम्राज्य में आगे।